वही खबर मुंबई से आ रही है, जो आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल रूम में एक अधिकारी को व्हाट्सएप मैसेज पर धमकी मिली है, जिसमें 26/11 जैसे आतंकी हमले की बात कही गई है। वहीं अधिकारी ने पुष्टि की है कि यह नंबर पाकिस्तान का बताया जा रहा है। वहीं उसमें ये भी लिखा गया है कि इस बार का हमला 26/11 से बड़ा होने की संभावना है। मुंबई पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल रूम को देश की आर्थिक राजधानी में एक और आतंकी हमले की कथित चेतावनी का संदेश मिला। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। वही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी के अनुसार एक व्हाट्सएप संदेश में यह जानकारी दी गई। ऐसा कहा जा रहा है कि यह धमकी पड़ोसी देश से मिली है। हालांकि संदेश में प्रेषक का विवरण या हमले कब होंगे यह स्पष्ट नहीं था। वही संदेश में यह भी दावा किया गया था अगला हमला भारी हथियारों से लैस 10 पाकिस्तानी चरमपंथियों द्वारा शहर में 26/11 के आतंकी हमले की याद ताजा कर देगा। मिली जानकारी के अनुसार मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप संदेश भेजकर मुंबई ने पुनः 26/11 जैसे हमला करने की धमकी दी गई। ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप नंबर पर आया यह संदेश शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। संदेश में पिछले कुछ दिनों में उदयपुर और अमरावती में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए 26/11 के हमले जैसी घटना दोहराने की बात की गई है। संदेश में लिखा है कि यह नंबर ट्रेस करोगे तो यह बाहर का निकलेगा, लेकिन मुंबई में धमाका करने वाले लोग जल्द पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने कहा कि राज्य सरकार को खतरे को गंभीरता से लेना चाहिए और जांच करानी चाहिए। राजनीति के रंग में रंगा दिखा मुंबई थाने का दही हांडी उत्सव। वहीं सिंधे ने उद्धव पर भी तंज कसा।